आज के टाइम अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में स्मार्ट सिटीज पर फोकस किया जा रहा है, सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। ये तभी प्रॉपर हो पाएगा जब उसका वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो प्रॉपरली मैनेज हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो दूसरा सपना है स्वच्छ भारत का, उस पर भी काफ़ी वर्क हुआ है पिछले कुछ सालों में और आगे भी काम होने जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक कंपनी है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है और जो साथ ही साथ म्यूनिसिपलिटी के संग काम करती है, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है और जिसके आईपीओ ओपन हो चुका है। तो सारी ही डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी अच्छा आईपीओ है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अप है, अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको दिसंबर 2020 के मंथ में। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग की। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, वो 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर इस आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊं तो 21 दिसंबर 2020 को ओपन होगा, 23 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। देखिए दिसंबर के मंथ में ही दो आईपीओ आए हैं, जिसमें एक आया था बर्गर किंग का आईपीओ जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया, आपने देखा लिस्टिंग इन काफी हुआ। अब जो दूसरा आईपीओ है जो आज क्लोज हो रहा है मिसेज बेक्टर का, जिसमें भी काफी लोगों ने अप्लाई किया है, सब्सक्रिप्शन काफी हाई गया है और ये भी प्रीमियम पे रिटर्न मिलेगा आपको। अब हम बात करें एंटनी वेस्ट हैंडलिंग की, तो इसकी जो अलॉटमेंट होगा उसके बाद जो ये बीएससी और एनएससी पे ट्रेड करेगा, ये नए साल वाले दिन करेगा, न्यू ईयर वाले दिन करेगा, 1 जनवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग होगी। पर शेयर इसका 313 to 315 रुपीज़ रखा गया है, यानी जो लोअर प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, वो 313 है पर शेयर का। और 47 शेयर आपको अप्लाई करने होंगे, मिनिमम 47 के मल्टीपल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो मिनिमम एक लॉट अगर आप अप्लाई करेंगे तो करीबन 14,805 आपको इन्वेस्ट करना होगा। और मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो अराउंड 2 लाख के करीबन आपको 2 लाख से थोड़ा कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि 300 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें करीबन 35% हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखी गई है। 300 करोड़ की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू तो 85 करोड़ का है और 215 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब देखिए कंपनी पैसा क्यों ले रही है, तो दो तीन ऑब्जेक्टिव कंपनी ने बताए हैं। एक तो ये बताया इनका वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है इनका म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन के संग, तो उसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ इनके कुछ डेट्स हैं उनको इन्हें कम करना है और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। तो ओवरऑल कंपनी के पास पूरा एक प्लान है कि किस तरीके से वो इस 300 करोड़ को यूटिलाइज करेगी, जिसको कंपनी ने बताया भी है। अब ये आईपीओ 23 को क्लोज हो जाएगा, पर ये अलॉटमेंट आपको पता लगेगा 29 दिसंबर 2020 को। और लिंक इन टाइम इनके रजिस्ट्रार हैं जिनकी वेबसाइट से आपको ये पता लगेगा। साथ ही साथ आप बीएससी से भी चेक कर सकते हैं। आप आईपीओ अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है, जैसा कि उम्मीद है कि काफी लोग अप्लाई करेंगे इसमें, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है तो जिनको नहीं मिला उनको 30 दिसंबर को पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा और जिनको मिलेगा उनको 31 दिसंबर को उनके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। 1 जैन को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, जिसको आप बाद में बाय सेल भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में और जानें तो ये जो कंपनी है ये म्यूनिसिपलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। और क्या काम करती है, ये कलेक्शन करती है, प्रोसेसिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और डिस्पोजल करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है अभी इस कंपनी के, आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, कंपनी की वेबसाइट विजिट कराऊंगा। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी जगह से मिले हुए हैं, नवी मुंबई म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन देखें आप, ग्रेटर नोएडा या नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूँ, या मैंगलोर म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छे अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं जहाँ से इनको प्रोजेक्ट मिलता है और जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ये। और अगर फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 3 साल के फाइनेंशियल लिए हैं, फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20, और आप देखेंगे इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जहां 18 में 398 मिलियन का प्रॉफिट था, वहां 2020 में ये 620 मिलियन तक पहुंच गया। और अगर अभी हम बात कर रहे हैं 6 मंथ्स की, अप्रैल टू सेप्टेम्बर, तो आप देखेंगे 290 मिलियन ये अभी तक अचीव कर चुके हैं। तो आगे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी और बाद में रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। लीड मैनेजर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, लिंक इन टाइम इनके लीड मैनेजर्स हैं और आईएफएल होल्डिंग और इक्विटीज कैपिटल इनके लीड मैनेजर्स हैं।
तो आई होप कि आपको कंपनी के बारे में पता लगा, थोड़ा सा आईपीओ के बारे में पता लगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करते हैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने। साथ ही साथ आपको अगर चेक करना है अलॉटमेंट तो उसके भी लिंक मैंने दे रखा है अपने वीडियो में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। एक बार मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी क्या है और क्या काम करती है, कंपनी की कुछ और डिटेल्स। तो आइए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो ये देखिए दोस्तों, antonywaste.com मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में अलग अलग मेन्यू बताए हुए हैं कि कंपनी क्या काम करती है। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास जो असेट्स हैं, इनके पास जो ट्रक्स हैं उसके बारे में इन्होंने दिखा रखा है। साथ ही साथ इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन्होंने बता रखा है, कमिटमेंट इनका है सस्टेनेबिलिटी विद ग्रोथ। और दूसरी चीज़ जो ये फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं अपने कि बेस्ट क्लाइंट्स हैं हमारे, क्लाइंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। काम भी इनका काफ़ी अच्छा है और ये रेगुलर काम है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम बाद बंद हो जाएगा। और वेल ऑर्गेनाइज टीम है इनके बारे में। सर्विसेज की बात करें तो वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन इनका एक काम है, दूसरा मैं बता चुका हूँ आपको वेस्ट प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट भी है। साथ ही साथ वेस्ट टू एनर्जी, यानी जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। और ये इन्होंने गैलरी में अपने बता रखे हैं कि किस तरीके से ये अपनी इन असेट्स को यूज़ करते हैं और अपने लिए काम में लेके आते हैं। साथ ही साथ इनके पास हम लैंड फिलिंग की बात करें तो सैनिटरी लैंड फिलिंग और वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी काम मिला हुआ है। तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या इन्हें काम मिला हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले हुए हैं और किस तरीके से ये उन्हें पूरा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के थैंक यू दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।